हेलो एवरीवन, वी आर टीम होम्योपैथी एमसीक्यूज ऑनलाइन हेल्पिंग हैंड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स इन होम्योपैथी। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू पास AIAPGT 2022 एग्जाम इन लास्ट फ्यू डेज प्रिपरेशंस। टिप्स टू क्रैक AIAPGT 2022 एग्ज़ाम। ये लेक्चर उन सभी लोगों के लिए है जो AIAPGT 2022 एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें अपीयर होने वाले हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये टिप्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सभी टिप्स आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के जो एजुकेशनल और टिप्स वाले जो हमारे वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप्स टू क्रैक AIAPGT 2022 एग्ज़ाम, हाउ टू पास AIAPGT 2022 एग्ज़ाम इन लास्ट फ्यू डेज प्रिपरेशंस। इसके लिए हमने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से 12 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं, जिसको फॉलो करके आप AIPGT एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में क्रैक कर सकते हैं। तो ये 12 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, नो योर सिलेबस। आपको आपका जो सिलेबस है AIPGT का, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, नो योर एग्ज़ाम पैटर्न। आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, AIPGT किस तरह से एग्ज़ाम लेता है, उसकी क्या मार्किंग स्कीम है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नो योर सब्जेक्ट वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स। आपके हर एक सब्जेक्ट की किस तरह की जो मार्क्स हैं उसका कितना वेटेज है, उसकी भी आपको नॉलेज होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, ऑर्गेनाइज योर स्टडी पैटर्न। आप अभी तक जिस तरह से स्टडी करते रहे हैं आप उसी तरह से ही करिए, लेकिन उसको थोड़ी सा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी लास्ट के कुछ ही दिन रह गए हैं। तो आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना जो स्टडी का जो पैटर्न है, टाइम मैनेजमेंट है, वो सभी एक बार ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है, डिवाइड योर स्टडी इनटू सेशंस। आपको एक साथ कंटिन्यू कोई भी स्टडी नहीं करना है, आपको अपनी स्टडी को एक सेशन में डिवाइड कर लेना है, जिससे कि आपको आसानी होगी कि किस सब्जेक्ट को हमको कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सिक्स पॉइंट है, सेट योर स्टडी प्लान और सेट ए गोल। आपका जो स्टडी प्लान है उसको आपको सेट करना है, और एक हर एक दिन हर एक टॉपिक के लिए एक आपको गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इस दिन इस सब्जेक्ट को या इस टॉपिक को मुझे कवर करना है, उस रिलेटेड जितने भी MCQs बन रहे हैं उन सबको मुझे पढ़ना है। सेवेंथ पॉइंट है, ग्रुप स्टडी विथ योर फ्रेंड्स। आपके साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स जो AIPGT 2022 एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, यदि आपका एक ग्रुप है तो आप अपने ग्रुप के साथ भी स्टडी कर सकते हैं। ग्रुप के साथ स्टडी करने के क्या क्या बेनिफिट हैं वो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, टेस्ट योर सेल्फ बाय सॉल्विंग मैक्सिमम MCQs एंड टेस्ट पेपर्स। ये हर एक एग्ज़ाम को पास करने का जो सबसे बेटर तरीका होता है वो ये होता है कि आप अपने आप को जज करते रहिए कि मेरी स्टडी, मेरी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। और उसका सबसे अच्छा तरीका है, आप जितने अधिक से अधिक MCQs सॉल्व करेंगे उतना ही आपको ये जजमेंट आएगा कि मेरी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है और मुझे किस टॉपिक पे और कितना अभी और मेहनत करना है। आपके जो भी पुराने टेस्ट पेपर हैं उनको आपको सभी को सॉल्व करना है।
नाइन्थ पॉइंट है बीट योर टेस्ट एंग्जाइटी। एग्ज़ाम के आने के कुछ दिन पहले ही हमारे मन में एक विशेष प्रकार की एंग्जाइटी होने लगती है। कुछ लोगों का माइंड डाइवर्ट होने लगता है, कुछ लोग अपना फ्रस्ट्रेशन की वजह से या प्रिपरेशन अच्छी नहीं है इसकी वजह से वो अपने समय को यहाँ वहाँ बर्बाद करने लगते हैं। तो हमको इस एंग्जाइटी को ही बीट करना है। उसके क्या क्या टिप्स हैं वो हम आगे आपको वीडियो में सभी बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राई टू लर्न फ्रॉम प्रोफेशनल्स। जब आप खुद से स्टडी कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमको प्रॉपर तरीका नहीं होता है पता कि किस तरह से हमको प्रिपरेशन करना है, उसके लिए हमको किसी की हेल्प लेना पड़ती है। आप किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, आप किसी कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं, आप किसी बुक की हेल्प ले सकते हैं, या आप किसी और भी जो मीडियम हैं लाइक वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप उन सब की हेल्प ले सकते हैं। वो आपकी मदद करेंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे। जिस क्वेश्चन का आपको समझ में नहीं आ रहा उसका एक्सप्लेनेशन भी वो देंगे आपको। तो आप प्रोफेशनल्स की भी मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एलेवेंथ पॉइंट है वर्क डिफरेंटली विद डिफरेंट क्वेश्चंस। आप जब AIPGT का जो क्वेश्चन पेपर जब देखेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन के कुछ अलग अलग कुछ पैटर्न मिलेंगे। किसी क्वेश्चन में आपको जो स्टेटमेंट लिखा रहता है उसमें लिखा रहता है कि एक्सेप्ट, तो कई बार हम एक्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं और बाकी सब पढ़ के और जल्दी से उसको गलत ऑप्शन को हम क्लिक कर देते हैं। इसी तरह से कुछ एसर्टन रीज़न वाले भी क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो आप जब इन क्वेश्चंस को जब बार बार पढ़ेंगे, बार बार सॉल्व करेंगे, तो आपको एक डिफरेंट तरीके से समझ में आएगा कि किस तरह से मुझे सॉल्व करना है। इसके क्या टिप्स हैं वो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। एंड लास्ट पॉइंट है रिलैक्स एंड डोंट वरी आफ्टर द टेस्ट। आप जो भी रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं या MCQ सॉल्व कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने के बाद एकदम से ये डिसीजन नहीं ले रहे हैं कि मुझे अभी कुछ नहीं बन रहा, मेरा एग्ज़ाम में क्या होगा। तो ये इस तरह से आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करना है, रिलैक्स रहना है। आपके पास अभी कुछ दिन ही है, ज़्यादा नहीं है, एक हफ्ते 4-5 दिन ही है, लेकिन 4-5 दिन में भी यदि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करेंगे तो ऐसा नहीं है कि AIPGT का एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे नंबर से पास ना कर सको। तो ये 12 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे निकाले हैं। अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट है नो योर सिलेबस। तो आप सभी लोग जानते हैं कि AIPGT में होम्योपैथिक के जो भी सब्जेक्ट आपको BHMS के दौरान पढ़ाए गए हैं, सभी 12 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट एलाइड सब्जेक्ट्स हैं और 4 सब्जेक्ट आपके होम्योपैथी के सब्जेक्ट हैं। ये सभी सब्जेक्ट AIPGT में पूछे जाते हैं। इन्हीं सब्जेक्ट्स में ही आपके जितने भी MCQs हैं वो सब बनेंगे। आपको कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट आपका किसी से कमतर नहीं है, सभी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आपको सभी सब्जेक्ट कम समय में ही कवर करना है। और ये जो सभी सब्जेक्ट हैं उनमें एलाइड सब्जेक्ट आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्सगानी एंड कम्युनिटी मेडिसिन या PSM। अब होम्योपैथिक सब्जेक्ट हैं आपके ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड केस टेकिंग एंड रिपर्टी। तो ये आपके 12 सब्जेक्ट हैं जो AIPGT में पूछे जाएंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नो योर एग्ज़ाम पैटर्न। तो AIPGT का जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसके बारे में हमने थोड़ी सा इसमें जानकारी दी है कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, उसका क्या पैटर्न है, क्या मार्किंग स्कीम है, इसके बारे में हम आपको थोड़ी सा हल्की सी जानकारी इसमें देना चाहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं लेकिन फिर भी एक बार आपका रिफ्रेश हो जाएगा ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। तो इसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शन है
सॉरी जो इसमें जो जनरल डिटेल है वो ये है कि द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन सिंगल शिफ्ट फॉर ऑल कोर्सेस। जितने भी इसमें जो AIPGT का एग्ज़ाम है वो सिंगल शिफ्ट में होगा। इस कैंडिडेट विल बी अलॉटेड ए डेस्कटॉप एट द एग्ज़ाम सेंटर। हर एक कैंडिडेट को एक कंप्यूटर दिया जाएगा एग्ज़ाम सेंटर में। इस कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड विद ए पेन पेंसिल एंड अ सीट ऑफ पेपर फॉर रफ वर्क एट द एग्ज़ाम सेंटर। सभी को एक पेन पेंसिल या और सीट एक पेपर की सीट दी जाएगी रफ वर्क के लिए एग्ज़ाम सेंटर में। दे विल बी गिवन 120 मिनट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। और आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एक मिनट यानी 120 मिनट मिलेंगे आपको पूरा पेपर सॉल्व करने के। अब AIPGT एग्ज़ाम पेपर पैटर्न, इसका पैटर्न क्या है AIPGT का। द क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो AIPGT का जो टेस्ट पेपर है उसमें MCQs पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उनमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव आपको चुनना होता है जो आपको लगता है सही है। दूसरा है इसमें ईच क्वेश्चन वुड हैव 4 रिस्पॉन्स ऑप्शन। हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेंगे ABCD करके। इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है। ABCD भी हो सकते हैं और 1, 2, 3, 4 भी 4 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो उनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना होता है जो आपको लगता है कि सही है। देयर विल बी 120 क्वेश्चंस विच कैन बी सॉल्व इन एनी सीक्वेंस एज पर द कैंडिडेट्स विल। इसमें 120 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आप उस क्वेश्चन पेपर को अपने हिसाब से अपने सीक्वेंस से आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपको जौन सा आपको बन रहा है आप उसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है AIPGT मार्किंग स्कीम। तो AIPGT में 4 मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। हर एक क्वेश्चन है वो 4 मार्क का होगा। यदि आपका सही होता है क्वेश्चन आंसर तो आपको 4 मार्क मिलेंगे, लेकिन यदि आपका आंसर गलत होता है तो उसमें 1 मार्क आपका कट जाएगा, 1 मार्क कट जाएगा। मार्क्स वुड नाइदर बी अवॉर्डेड नॉर डिडक्टेड फॉर द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। आपने जिस क्वेश्चन को नहीं किया है, सॉल्व नहीं किया है, अटेम्प्ट नहीं किया है, उस क्वेश्चन का आपको ना तो उसमें कोई मार्क जोड़ा जाएगा ना ही उसमें से कोई मार्क आपको घटाया जाएगा। टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इज इक्वल टू 4 इंटू टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर माइनस टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। तो जितने भी आपने स्कोर किए हैं मार्क्स उसमें आपके 4 मार्क्स आपको मिलेंगे जितने भी करेक्ट आंसर हैं, और इनकरेक्ट आंसर में आपके 1 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नो योर सब्जेक्ट वाइज वेटेज ऑफ द मार्क्स। हमने 2020 और 2021 का एनालिसिस इसमें AIPGT का किया है कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स लिए गए हैं। इसको हम एक फास्ट एक बार देख लेते हैं कि किस तरह के इसमें मार्क्स दिए गए हैं। तो AIPGT 2022 में एनाटॉमी में से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और 21 में 6 क्वेश्चन पूछे गए। फिजियोलॉजी में 2020 में 3 क्वेश्चन आए और 2021 में 7 क्वेश्चन पूछे गए। पैथोलॉजी में 2020 में 4 क्वेश्चन पूछे गए और 2021 में 5 क्वेश्चन पूछे गए। FMT में से 4 क्वेश्चन 2020 और 2 क्वेश्चन 2021 में पूछे गए। सर्जरी में 13 क्वेश्चंस पूछे गए 2020 में और 2021 में 12 क्वेश्चन पूछे गए। ऑप्स गायनी में
11 क्वेश्चन पूछे गए 2020 में और 10 क्वेश्चन पूछे गए 2021 में। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसन्स में 18 क्वेश्चन पूछे गए 2020 में और 17 क्वेश्चन पूछे गए 2021 में। PSM से 6 क्वेश्चन पूछे गए 2020 में और 6 क्वेश्चन ही पूछे गए 2021 में। ये हमारे एलाइड सब्जेक्ट का एक एनालिसिस है। तो इस एनालिसिस में हमको ये समझ में आता है कि हमको जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलाइड सब्जेक्ट्स में से वो है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, देन गायनी ऑप्स, देन सर्जरी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में से लगभग इक्वली ही पूछे जाते हैं, पैथोलॉजी से भी इक्वली ही पूछे जाते हैं, PSM से भी लगभग इक्वल ही मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स में हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो मटेरिया मेडिका के 2020 में 16 क्वेश्चन पूछे गए एंड 2021 में मटेरिया मेडिका से 16 क्वेश्चन ही पूछे गए। 2020 में ऑर्गेनॉन से 16 क्वेश्चन पूछे गए और 2021 में 14 क्वेश्चन पूछे गए। रेपर्टी में 2020 में 16 क्वेश्चन और 2021 में 18 क्वेश्चन यानी 18 क्वेश्चन पूछे गए। होम्योपैथिक फार्मेसी में से 2020 में 6 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2021 में होम्योपैथिक फार्मेसी से 7 क्वेश्चन ही पूछे गए। तो इसमें एनालिसिस से हमको ये मालूम चला कि मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनॉन और रेपर्टरी ये तीनों सब्जेक्ट ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इनमें से लगभग लगभग इक्वली ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा एक एनालिसिस है। हमको होम्योपैथी के, ऑर्गेनॉन, मटेरिया मेडिका एंड रेपर्टरी इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एलाइड में हमको ऑप्स, गायनी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो फिफ्थ पॉइंट है, इसमें डिवाइड योर स्टडी इनटू सेशंस। तो आपको ये हमारी तरफ से एक एडवाइज़ है कि आपका जो भी एक आपने जो एक शेड्यूल बनाया है, जो कितने हमको घंटे पढ़ना है, इसको आपको एक डिवाइड कर लेना है। आपको 20 से 30 मिनट ही किसी एक सिंगल टॉपिक पे ही आपको फोकस करना है, उसी को ही पढ़ना है। ऑलवेज ट्राई टू थिंक ऑफ मल्टीपल वेज टू यूज़ द सेम इन्फॉर्मेशन, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्टडी स्किल। आपको 20 से 30 मिनट का एक सेशन तैयार करना है, उसमें आपको एक टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक को आपको फिर रिवाइज करने के लिए उसको और भी अलग तरीके से, आप जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसमें से किस तरह के MCQs बन सकते हैं, उसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे आप अपना एक बार जो पढ़ा है वो हमेशा मेमोराइज रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट टास्क विल लीड यू टू योर गोल फास्ट एंड वेल। दैट्स व्हाई यू शुड मेक ए टू डू लिस्ट इंक्लूडिंग ऑल द टॉपिक्स, एक्सरसाइज, पेपर्स एंड मटेरियल्स नीडेड। आपको जो भी आपने एक अपना सेशन तैयार किया है कि इस समय में मुझे इतना पढ़ना है या जो भी करना है, उसकी एक टू डू लिस्ट बनाना है कि आज मुझे इस सब्जेक्ट में से ये टॉपिक पढ़ना है, एक समय के बाद फिर दूसरा टॉपिक मुझे दूसरे सब्जेक्ट का पढ़ना है, उसका एक आपको पहले लिस्ट बना लेना है और उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। आप यदि उस हिसाब से एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, सेट योर स्टडी प्लान और सेट ए रियलिस्टिक गोल एंड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द टाइम यू आर गोइंग टू स्पेंड स्टडिंग। राइट डाउन ऑल द स्टेप्स इन ए प्लानर। आपको एक रियल
एक गोल बनाना है, अपना एक लक्ष्य बनाना है कि मुझे एक दिन में या एक घंटे में क्या पढ़ना है। ऑर्गेनाइज योर स्टडी पैटर्न, आपकी जो स्टडी पैटर्न है उसको थोड़ी सा अभी व्यवस्थित करना पड़ेगा। जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से ही पढ़ते रहिए, लेकिन थोड़ी सा उसमें हल्का सा चेंजेस करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए जो पहला पॉइंट है, सॉल्व ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद एक्सप्लेनेशन। आपको जो 3-4-5 साल पुराने जो भी AIPGT के या MD एंट्रेंस के जो भी आपको क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हो जाएं वो आप ले लीजिए। नहीं होते हैं तो आपको AIPGT की जो वेबसाइट है उसमें आपको AIPGT के अभी तक जो भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं वो सभी अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप जो MD एंट्रेंस के जो भी पेपर्स हुए हैं पहले उनको भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। उन सभी पेपर्स को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने से ये बेनिफिट है कि जो AIPGT है वो ज़्यादातर उन्हीं क्वेश्चंस को ही जो पुराने पूछे गए हैं उन्हीं को ही थोड़ी सा मॉडिफाई करके पूछती है, उनके सीक्वेंस चेंज कर सकती है ऑप्शन की, या फिर उसी क्वेश्चन को ही थोड़ी सा मॉडिफाई करके उसको दोबारा से पूछ सकती है। इसलिए पुराने पेपर्स ज़रूर सॉल्व करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है, फोकस ऑन इमेजेस गिवन इन द टेक्स्ट बुक्स एंड ट्राई टू रीड द लाइंस एंड इन्फो गिवन बिलो टू द दोस इमेजेस। जो भी आप बुक्स में जो इमेजेस जो दी गई हैं, जो पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। उनमें जो नीचे जो लाइन दी जाती हैं उसको भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं। इट इज़ एन एग्जाम हेयर योर कंसेप्ट विल बी टेस्टेड, सो ऑलवेज फोकस ऑन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स एंड रिवाइज देम रेगुलरली। जो भी अभी जो भी AIPGT में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सब कंसेप्चुअल हैं। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप AIPGT का एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्रॉस कर सकते हो। यदि थोड़ी भी डाउट है तो आप उसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसलिए कोशिश यही करिएगा कि जो भी आपके कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको ट्राई टू रिवाइज 2 आवर्स एवरी डे, हर दिन कम से कम 2 घंटे आपको जो रिवाइज करने का जो शेड्यूल है उसको आपको रिवीजन शेड्यूल बनाना ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट इग्नोर शॉर्ट सब्जेक्ट्स। हम लोग अक्सर स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि आप जो सब्जेक्ट का वेटेज है उसके हिसाब से तो आपको प्रिपरेशन करना ही है, लेकिन कोई भी जो छोटे सब्जेक्ट हैं उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर कुछ छोटे सब्जेक्ट से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे सपोज दैट आपने मतलब सर्जरी है तो सर्जरी में हो सकता है कि वो जनरल सर्जरी से क्वेश्चन कम पूछें, ENT से ज़्यादा पूछें, ऑप्थल्मोलॉजी से ज़्यादा पूछ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको ये सभी सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट छोड़ना है, सभी सब्जेक्ट को हमको प्रॉपरली पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है, कीप डिस्कसिंग इम्पॉर्टेंट एंड टफ फैक्ट्स कंसेप्ट व्हाइल गोइंग टू द टी लंच डिनर। तो आपको जब भी टाइम मिले आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपकी कंसेप्ट है या जो भी आपने पढ़ा है उसको यदि डिस्कस करते हैं तो और अच्छी बात है। इससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, और आपके फ्रेंड्स को भी कुछ नई जानकारी मिल जाती है या फ्रेंड से भी आपको कुछ जानकारी मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वे थ्रू द फ्लो चार्ट टेबल्स एंड इमेजेस ऑफ द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स फॉर सेलेक्टेड हाई यील्डिंग टॉपिक्स दैट इज़ फ्रॉम द रीनल CNS CVS रेस्पिरेटरी सिस्टम हेमेटोलॉजी इन एक्सट्रा। आपको जो बुक्स में जो फ्लो चार्ट दिए गए हैं, टेबल दिए गए हैं, इमेजेस दिए गए हैं, उनको उनमें जो हाई यील्डिंग जो पॉइंट्स होते हैं, हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, उनको आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। ट्राई टू मेमोराइज मटेरियल मेडिका की नोट्स एंड एफ्रोजम्स ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की जो जितनी भी एफ्रोजम हैं उनको सभी को मेमोराइज कर लीजिए कि किसमें से कौन सी एफ्रोजम में क्या पूछा गया है या कौन सी एफ्रोजम में क्या दिया गया है,
ये बहुत एफ्रिजम में बहुत कन्फ्यूजन है, तो वो आप ट्राई करेंगे बार बार जब पढ़ेंगे तो आपको वो सब मेमोराइज हो जाएंगे। मटेरिया मेडिका भी एक दिन में दो दिन में रिवाइज नहीं होती है, लेकिन आप एलियंस की नोट से यदि आप मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं तो एलियंस की नोट में बहुत ही शॉर्ट में और सिर्फ की नोट्स ही दिए गए हैं, तो आप बेटर ये है कि एग्ज़ाम के पहले एक बार एलियंस की नोट ज़रूर पढ़ लें। रिवीजन ऑफ कंसेप्ट्स एंड एंटीसिपेशन ऑफ फ्यूचर एमसीक्यूज शुड बी प्रैक्टिस्ड व्हाइल स्टडिंग। जो रिवीजन कंसेप्ट का जो रिवीजन है इनको आपको ज़रूर करना है, ताकि आपका जो एमसीक्यूज के बारे में जो आपकी जो जिज्ञासा है वो पूरी हो सके, आप वो समझ सकें कि जो हमसे एमसीक्यूज पूछा गया है वो क्या है और उसको कैसे सॉल्व करना है। ये तभी हो पाएगा जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आपको जो रिवीजन है वो इनका कंसेप्ट का ज़रूर करना है और एमसीक्यूज को अधिक से अधिक सॉल्व करना है, क्योंकि जितने आप एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे उतने ही आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने में हेल्प होगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट 7 डेज फोकस ऑन द क्विक रिवीजन ऑफ एमसीक्यूज इमेजेस एंड योर ओन नोट्स कंटेनिंग हाई यील्डिंग पॉइंटर्स। आपने अभी तक जो भी प्रिपरेशन किया है किसी बुक से किया है या किसी अपनी अपनी जो PHMS की जो टेक्स्ट बुक है उनसे किया है, या आपने खुद के नोट्स बनाए हैं, या आपके पास कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोई बुक है उसमें जो पॉइंटर्स दिए जाते हैं उनको ज़रूर पढ़ना है। अभी जो लास्ट का जो आपके जो एक हफ्ता बचा है, इस हफ्ते में आपको सभी पॉइंटर्स एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, उन्हीं को ही रिवाइज करना है, उन्हीं पॉइंटर्स में से ज़्यादातर MCQs बनते हैं, तो इन सब बातों को आप ख्याल में रखेंगे तो आपका जो स्टडी करने का जो पैटर्न है वो थोड़ी सा चेंज हो जाएगा, और चेंज करने से आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में ज़रूर हेल्प मिलेगी। हम आप सभी को एक एडवाइस देना चाहते हैं, जो लोग पहली बार AIPGT दे रहे हैं या जो लोग एक साल से या दो साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग उन सभी के लिए है कि आखिरी का जो ये वक्त है जिसमें आपको पढ़ना है या रिवीजन करना है, इसमें आप अपना पूरा टाइम किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं देना, एक ही सब्जेक्ट में चिपक के नहीं रहना है, क्योंकि आप जब एक सब्जेक्ट पे ही चिपक जाएंगे आप सोचेंगे कि पहले मैं मटेरियल मेडिकल ही पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ इसके बाद फिर मैं ऑर्गन उठाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप मटेरियल मेडिकल ये पूरा ख़त्म करने में ही आपको पूरा दिन चला जाएगा, हो सकता है एक दिन से ऊपर का भी समय चला जाए, तो आप उसमें फिर ऑर्गन के लिए या और सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम नहीं बचेगा। इसलिए आपको एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाना है अपना, उस शेड्यूल के हिसाब से ही आपको पढ़ना है। एक दिन में कोई ऐसा टॉपिक या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस टॉपिक को लेना है, उस टॉपिक को पढ़ना है। पहले आप MCQs सॉल्व करो, यदि MCQs जिस MCQs में आपको या जिस टॉपिक में लगता है कि MCQs नहीं बन रहे हैं उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। आपका सब पढ़ा पढ़ाया है लेकिन आपको सिर्फ रिवीजन करना है, तो ये हमारे एक आपको सजेशन है, सभी के लिए सजेशन है कि अभी कम समय बचा है, इस कम समय का आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यूटिलाइजेशन करना है और एक ही सब्जेक्ट में स्टिक होके या चिपक के नहीं रह जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रुप स्टडी विथ योर फ्रेंड। ये हम पहले से भी बोल रहे हैं, आप लोगों को अभी भी बोल रहे हैं कि कभी भी अकेले स्टडी नहीं करना चाहिए। अकेले स्टडी करने के बेनिफिट बहुत कम है, नुकसान ज़्यादा है। नुकसान ऐसे हैं कि हम एक लिमिट में ही रहते हैं और हमको जो हमारा मन करता है हम वो पढ़ते हैं, हमको जैसा लगता है हम उस हिसाब से पढ़ते हैं, हमको ये मालूम नहीं रहता है कि एक्चुअली और लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो हम सभी से यही सजेशन करते हैं, वैसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट आजकल ग्रुप में ही पढ़ते हैं, लेकिन तब भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अकेले ही स्टडी करना चाहते हैं या अकेले ही स्टडी उनको बेटर लगती है। हम उनको भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर कुछ ना कुछ डिस्कस करो, जब भी आपको मिलता है आप ग्रुप में बैठ के पढ़ो, तो
उसमें आपको मालूम चल जाता है कि यार ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट यहाँ पे वीक है, लेकिन सेकंड का जो है ना वो पॉइंट ज़्यादा मजबूत है। तो कभी ऐसा लगता है तो आप उससे अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, तो बहुत कुछ चीज़ें ना क्लियर हो जाती हैं और बहुत कम समय में ही क्लियर हो जाती हैं। इसलिए ग्रुप स्टडी हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं, और हम ये भी कहते हैं सभी से कि जब भी हमारे जो ऐप में या इसमें हम लोग टेलीग्राम में जो भी आपको क्विजेस देते हैं या टेस्ट पेपर देते हैं, तो हम ये कहते हैं कि सभी लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल स्टूडेंट उसको सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करेंगे फिर उनमें से अब आप अपना एनालिसिस करेंगे कि यार फलाने बंदे से मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कौन सा आंसर मैंने रॉन्ग किया, कौन सा किसी ने सही किया। तो इससे हमको मालूम चलता है कि हमारा स्टडी का लेवल किस हिसाब से है, हमको अभी और कितनी मेहनत करनी है। अभी जो आठवां पॉइंट है, एट्थ पॉइंट, टेस्ट योर सेल्फ बाई सॉल्विंग मैक्सिमम एमसीक्यूज एंड टेस्ट पेपर्स। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो टेस्ट पेपर्स हैं वो कैन बी इफेक्टिव एंड सिंपल वे टू मेजर लर्निंग। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको जब आप सॉल्व करते हैं तो इससे आपकी जो लर्निंग का जो वो है वो एफिकेसी बढ़ जाती है। ये आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप और जल्दी किसी भी चीज़ को, किसी भी कंसेप्ट को जल्दी क्लियर होता है। सो द मोर क्वेश्चन पेपर्स यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंस यू विल गेन। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इट फुलफिल्स द एक्चुअल एंड इंस्टेंट नीड ऑफ एनी कैंडिडेट्स एज पर द लेटेस्ट पैटर्न सिलेबस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन। एमसीक्यू सॉल्व करने से या मैक्सिमम टेस्ट पेपर सॉल्व करने से जो जो बंदा है जो एग्ज़ाम दे रहा है उसका जो है कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता ही है, साथ में उसको ये समझ में आ जाता है कि जो हमारे एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या है, हमारा सिलेबस कैसा है और जो एग्ज़ामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। तो सभी चीज़ें उसकी जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाती हैं। सॉल्विंग द एमसीक्यूज बेस्ड मॉक टेस्ट इज़ द बेस्ट वे टू फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द AIAPGT एग्ज़ाम टॉपिक्स, द मार्किंग स्कीम, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। तो आप AIAPGT के जितने भी जो मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किए हैं या और किसी और भी ग्रुप को ज्वाइन किए हैं जिसमें कि मॉक टेस्ट होते हैं, या जो कोई क्लास ज्वाइन किए हुए हैं या जो ऐप ज्वाइन किए हुए हैं उसमें मॉक टेस्ट होते रहते हैं, इन मॉक टेस्ट को यदि जो कोई सॉल्व करता रहता है या जो सॉल्व कर रहे हैं उससे वो पुराने क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाते हैं, नए क्वेश्चन से भी फैमिलियर हो जाते हैं। तो उन्हें ये मालूम रहता है कि अभी लेटेस्ट में कौन से एमसीक्यूज चल रहे हैं, कौन से किस तरह के, किस पैटर्न के जो है एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, AIPGT में किस तरह का पूछा जा रहा है, जो हमारे ऐप में जो मार्किंग स्कीम के हिसाब से जो हम लोग माइनस मार्किंग के साथ में जो हम टेस्ट पेपर कराते हैं उससे हमारे एक अभ्यास हो जाता है, एक प्रैक्टिस हो जाती है कि रॉन्ग आंसर करने में हमारे कितने मार्क्स कटेंगे, करेक्ट आंसर करने में हमारे कितने मार्क कटेंगे, उसका कैसा रिजल्ट आता है, ये सब क्लियर हो जाता है। तो इसलिए जितना हो सके मॉक टेस्ट ज़रूर अटेंड करें, जितने हो सके क्विजेस, टेलीग्राम क्विजेस और ऐप की जो भी क्विजेस हैं उन सभी को आपको मैक्सिमम हो सकता है उतना आपको सॉल्व करना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, नाइन्थ पॉइंट, बीट योर टेस्ट एंग्जाइटी। तो आपकी जो टेस्ट की जो एंग्जाइटी है उसको ख़त्म करना है, और उसके ख़त्म करने का जो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रिलैक्स रहें, ज़्यादा उसमें टेंशन ना लें। यू आर नॉट ओनली वन हु हैज़ ए फियर ऑफ टेस्ट। आप अकेले नहीं हैं जिसको टेस्ट का एक फियर है, सभी लोग जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी लोग डरते हैं। तो आपको जो है इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें
कि बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर परफॉर्मेंस, आप अपने परफॉर्मेंस के लिए जो है कॉन्फिडेंस रहिए कि हाँ मैंने जो है जो भी किया है वो सही किया है। एंड डोंट वरी इफ़ यू फील नर्वस, यदि आप नर्वस फील कर रहे हैं तो उसके लिए चिंता ना करें। यू हैव ऑलरेडी डन एवरीथिंग यू कुड टू गेट रेडी, आप अभी तक जो लास्ट मोमेंट बचा है अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो आपने अपने हिसाब से जितना भी आप क्षमता थी आपने अपने हिसाब से पढ़ा है, तो आप अपने अपने लेवल पे कॉन्फिडेंट रहें और ज़्यादा उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लास्ट डे में आप जस्ट जो लास्ट डे बचे हैं जस्ट स्टे कूल एंड रिलैक्स्ड, आप कूल रहें रिलैक्स्ड रहें एंड हैव एडिक्यूट एंड नाइस स्लीप ऑफ 7 to 8 आवर, अपनी सारी चिंताएँ दूर कर दें और अपने पढ़ाई में मन लगाएँ, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें, अच्छा खाना खाएं, फैटी फूड अवॉइड करें और एग्ज़ाम डे जब आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो उस समय हल्का फुल्का नाश्ता करके जाएं और कोई फैटी फूड फास्ट फूड जंक फूड नहीं खाना है ताकि आपका किसी प्रकार से कोई डाइजेशन अपसेट ना हो, आपका किसी प्रकार से कोई तबीयत ख़राब ना हो, आपको एकदम रिलैक्स रहना है। और एग्ज़ाम है आपका सिर्फ नॉलेज और आपका परफॉर्मेंस जज करने के लिए रहता है, और यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और नॉलेज आपकी अच्छी है तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा इसमें चिंता नहीं करना है और अच्छे से पढ़ाई करो, जो हम आपको टिप्स बता रहे हैं उनको फॉलो करिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट 10th पॉइंट है, ट्राई टू लर्न फ्रॉम प्रोफेशनल्स। जब हमारी सेल्फ स्टडी सफिशियंट नहीं होती है, हमें कहीं ना कहीं कुछ रुकावट महसूस होती है, जैसे कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है या हमारे कोई क्वेश्चन का आंसर हम चाहते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में वो नहीं मिलता है, तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप किसी प्रोफेशनल, कोई टीचर हो या कोई ट्यूटर हो, आप किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, और यदि कोई भी नहीं मिल रहा है तो आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल टेलीग्राम में और इन सब में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, कुछ पेड ग्रुप हैं कुछ फ्री ग्रुप्स हैं, वो सभी हेल्प करते हैं, आप किसी से पूछेंगे वो ज़रूर आपके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आप ऐसे ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। अभी सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाते हैं, आप उनमें से किसी को ही ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, उसमें जो टीचर हैं वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। यदि इसके अलावा भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप हम कुछ बुक्स सजेस्ट कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बुक्स हैं और AIPGT जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही हैं अभी तक और आगे भी हेल्पफुल रहेंगी, तो इनमें से कुछ बुक हैं जैसे आपकी MCQs फॉर UPSC एंड MD एंट्रेंस इन होम्योपैथी बाई डॉक्टर VK चौहान, एक काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें जो MCQs का कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे MCQs हैं इसमें और सभी MCQs का उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं, इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप इससे भी अपने टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं, पुराने MCQs इसमें दिए गए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। सेकेंड बुक है काइजेन, ये UPSC और PSC MD होम्योपैथी के लिए बहुत अच्छी बुक है। थर्ड बुक है सक्सेस, ए गाइड ऑन होम्योपैथी फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, सक्सेस काइजेन बहुत अच्छी बुक्स हैं, इनमें बहुत से अच्छे MCQs दिए गए हैं और बहुत ही पॉइंट भी बना के दिए गए हैं जो आपको रिवीजन करने में हेल्पफुल रहेंगे, और जो नेक्स्ट बुक जो हम आपको बता रहे हैं वो है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस रिव्यू, डॉक्टर सालगुनन की है ये, इसमें जो सभी एलाइड सब्जेक्ट्स हैं हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये सभी उसमें बहुत अच्छे से दिए गए हैं, और आज तक और आज से 10 से 20 साल पहले तक के जितने भी MCQs हैं उस बुक में मिल जाएंगे आपको, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही एक्सप्लेनेशन इसमें बहुत कम है, बहुत से बहुत कम आंसर्स के हैं, लेकिन
जो कलेक्शन ऑफ एमसीक्यूज है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो बुक्स हैं ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में। हम आपको कुछ वेबसाइट बता रहे हैं, ये जो वेबसाइट हैं ये काफ़ी यूज़फुल रहेंगी आपको, यदि आपके पास ज़्यादा स्टडी मटेरियल नहीं है या ज़्यादा आपके पास बुक्स नहीं हैं, नोट्स नहीं हैं, तो ये वेबसाइट आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। इन वेबसाइट में लगभग सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप इन वेबसाइट पर जाकर आप हर चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो वेबसाइट दी गई हैं उसमें doctorshangout.com है और आपकी homeobooks.com है, तो ये जो वेबसाइट हैं ये काफ़ी हेल्पफुल हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें सभी कुछ अवेलेबल है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप इनमें जाके और ये सभी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 11th पॉइंट, वर्क डिफरेंटली विथ डिफरेंट क्वेश्चंस। इसमें ये बताया जा रहा है कि नेवर ट्राई टू सेव टाइम बाय स्किपिंग द इंस्ट्रक्शन एज दे सम टाइम कंटेन हिंट्स, मींस कि जो क्वेश्चन जो दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें जो ऊपर जो उसके इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कई बार हम वो इंस्ट्रक्शन भूल जाते हैं, देखना ध्यान से नहीं देखते हैं तो उसमें जो है आंसर रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है और लास्ट में लिखा हुआ है एक्सेप्ट, और हम एक्सेप्ट ध्यान नहीं देते और वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं जो रॉन्ग है, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना है और इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ के फिर हमको आंसर देना है। इसी तरह से कुछ एसर्टन रीजन के भी जो क्वेश्चंस रहते हैं उसके भी सभी एसर्टन्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और उसके रीजन को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, जब लगे कि हाँ ये इसका रीजन सही है या एसर्टन सही है या गलत है, तो उसी हिसाब से उसी अकॉर्डिंगली हमको आंसर करना है, तो कभी भी उसको मिस नहीं करना है पढ़ने में, जल्दीबाजी किसी भी आंसर को करने में नहीं करना है। इसका सेकंड पॉइंट है रिमेंबर दैट देयर आर टू मेन वेज यू कैन अप्रोच योर टेस्ट, ईदर बाय कंप्लीटिंग योर टेस्ट सेक्शन बाय सेक्शन और बाय गिविंग आंसर्स टू द क्वेश्चंस यू नो फर्स्ट एंड देन कमिंग बैक टू द वंस यू आर नॉट सर्टेन और बाय टैकलिंग योर टेस्ट इन द सेकेंड वे यू विल हैव मोर टाइम टू रिकॉल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अब इस सेकेंड पॉइंट में ये आपको जो है एक सजेशन दिया जा रहा है कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें तो उसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप क्वेश्चन को सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए और उसी सेक्शन के हिसाब से आप उसको सॉल्व कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको पहले उसमें एलाइड पार्ट है और होम्योपैथी पार्ट, तो आपने यदि सोचा कि पहले मैं होम्योपैथी पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ, तो आपको उसको डिवाइड कर लेना है और उसमें जितने भी होम्योपैथी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं लाइक मटेरिया मेडिका से, ऑर्गनन से, रिपर्टरी से, फार्मेसी से, आप जो जो बनते हैं आप उनको पहले सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद आप सेकंड सेक्शन में जाइए जिसमें एलाइड सब्जेक्ट्स हैं और फिर एलाइड सब्जेक्ट को आप करिए। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है कि आप जिस क्वेश्चन का आंसर पहले जानते हैं या अच्छे से जानते हैं उसको पहले कर लीजिए, इसके बाद जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत कंफर्म नहीं है और उसके लिए आपको थोड़ी सा टाइम चाहिए उसको आप बाद में कर सकते हैं। दोनों तरीके अपने आप में ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन जो दूसरा तरीका है उसमें ये रहता है कि आपको जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनके आंसर आप पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाद में आपके पास एक सफिशियंट टाइम होता है, उस टाइम का यूज़ आप जो है बाकी ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको डाउट है जिनके आंसर में आप उनको दोबारा कर सकते हैं, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा।
ऑलवेज रिव्यू योर आंसर बिफोर यू टर्न इन योर टेस्ट टू मेक श्योर यू हैवेंट फॉरगॉटन एनी स्किप्ड क्वेश्चन। और जब आप आंसर पूरा उसके दे चुके हैं, पूरा टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं और उसको सबमिट करने वाले हैं, तो आपको ये चीज़ श्योर कर लेना है, अच्छे से चेक कर लेना है कि कोई आप क्वेश्चन छोड़ तो नहीं गए हैं या किसी क्वेश्चन का आंसर आपको जो है वो याद नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि इसका आंसर जो मैंने दिया है वो गलत है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। तो ये कुछ हमारी तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करने में काफ़ी सहूलियत होगी। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है जो हम आपको बताने वाले हैं, ये पॉइंट है हाउ टू सॉल्व ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज। ये जो तरीका है ये यूनिवर्सल है और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा काम करे, लेकिन काफ़ी हद तक लगभग सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये काम करता है। और ये तरीका सिर्फ तभी अपनाना चाहिए जब आप श्योर ना हो कि जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो इसका तरीका ये है कि व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन ट्राई टू आंसर इट फर्स्ट विदाउट लुकिंग एट द गिवन आंसर। तो इसका जो पहला तरीका ये है कि आपके सामने जो भी क्वेश्चन आया है, आप क्वेश्चन का जो इंस्ट्रक्शन है, जो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, उसको पहले पढ़िए। उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शंस को नहीं पढ़ना है, पहले उस क्वेश्चन को पढ़ना है। यदि उस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है तो आप अपने मन में सोच लीजिए कि हाँ इसका आंसर ये है, उसके बाद आप ऑप्शंस पढ़िए, तो जो आपका सही ऑप्शन है उसको आप तुरंत जो है चूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यदि आपको किसी क्वेश्चन में या किसी ऑप्शन में डाउट हो रहा है कि ये जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, या आपको क्वेश्चन पूरा समझ में नहीं आया है, या समझ में आया है तो उसके आंसर आपको आ नहीं रहे हैं, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि रीड ऑल ऑफ देम, उन सभी को आपको पढ़ना है। डिसमिस द रॉन्ग वंस, आप जितने भी रॉन्ग हैं उनको हटा दीजिए या ख़त्म कर दीजिए। एंड एग्ज़ामिन द डिस्ट्रक्टर्स, वो होते हैं स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू बट डोंट क्वाइट आंसर द क्वेश्चन। ऐसे डिस्ट्रक्टर्स वो ऑप्शन होते हैं जो देखने में तो बिल्कुल सही ऑप्शन लगते हैं, सही आंसर लगते हैं, लेकिन उसका वो करेक्ट आंसर नहीं होते। इन द एंड यू विल हैव वन वेरिएंट, द करेक्ट वन लेफ्ट। और जब आप उन वेरिएंट्स को हटा देंगे तो एक ऑप्शन आपके पास बचेगा जो ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके को भी आप अपना के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं लेकिन ये तरीका यूनिवर्सल है और लगभग सभी एमसीक्यूज़ में फॉलो होता है, इसलिए हम ये आपको तरीका यहाँ बता रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं 12th पॉइंट और द लास्ट पॉइंट, इसमें है कि रिलैक्स एंड डोंट वरी आफ्टर द टेस्ट। ये इसमें बताना चाह रहे हैं हम लोग कि टेस्ट के बाद आप बहुत ज़्यादा चिंता ना करें और रिलैक्स रहें, क्योंकि वरिंग विल नॉट चेंज योर ग्रेड। वरी चिंता करने से आपकी कोई ग्रेड नहीं बदलने वाली है, बट इट कैन नेगेटिवली अफेक्ट योर नेक्स्ट वन, और आपका जो दूसरा जो एग्ज़ाम आने वाला होगा उसको ये प्रभावित कर सकती है। इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं करना है, आपका जैसा भी पेपर गया है आपका ठीक है। पुट योर फोकस राइट अवे ऑन द नेक्स्ट एग्ज़ाम, आपको उस पर चिंता ना करके अब दूसरे जो आपने एग्ज़ाम पेपर भरे एग्ज़ाम देने वाले हैं आप उसकी चिंता कीजिए। आफ्टर यू गेट योर टेस्ट बैक लुक थ्रू इट टू फाइंड द क्वेश्चंस यू मिस्ड। जब आप पेपर दे के आएँ तो अपना एक स्वयं का एक एनालिसिस करें कि मुझसे कितने क्वेश्चन नहीं बने हैं और मेरा जो स्टडी का लेवल है वो भी कितना था, कौन से क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं, तो उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें। रिमेंबर दैट यू व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स इज़ ऑफन मोर इम्पॉर्टेंट दैन द ग्रेट इट्सेल्फ।
तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिए आप कि आपकी जो भी गलतियाँ होती हैं आप उनसे कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, और आपको अभी तक जो भी मिला है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी जो गलतियों से आपने सीखा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी लोग चिंता मुक्त होके और इस वर्ष AIPGT का एग्ज़ाम दीजिए। और हमने जो आपको एक टिप्स दी है, उस टिप्स को यदि आप फॉलो करते हैं तो हमारा मानना है कि निश्चित ही आपको ये टिप्स बहुत हेल्पफुल होंगी और आपको बहुत ही कम समय में काफ़ी अच्छी तैयारी करने में मदद देंगी। इन टिप्स को फॉलो करके आप काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और आपकी ग्रेड भी अच्छी बन सकती है। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर हम आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। इनमें से कुछ चीज़ें हैं, जैसे पहला है कि ट्राई टू रीच एग्ज़ाम सेंटर वन डे बिफोर इफ़ इट इज़ मोर देन 300 किलोमीटर। यदि आपका एग्ज़ाम सेंटर 300 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आप कोशिश करके एक दिन पहले वहाँ पहुँच जाइए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। दूसरा है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि आप लोग याद रखिए कि एग्ज़ाम डेट आपकी 15 अक्टूबर ही है जो कि फिक्स है 2022 के लिए। अभी इसमें कोई चेंज होने के कोई चांसेस नहीं है, इसलिए अपना ये दिमाग में फिक्स रखिए कि 15 अक्टूबर ही आपकी एग्ज़ाम डेट है, ये कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है, डोंट ओपन योर फ़ोन फ्रिक्वेंटली, इट विल क्रिएट पैनिक बाय सीइंग मैसेजेस। ये हम लोग सभी स्टूडेंट को ज़्यादातर बोलते हैं एग्ज़ाम के पहले कि भाई ज़्यादा कोई रूमर्स पे, किसी इस तरह की बातों पे जो अफवाह हैं जो फैलती हैं एग्ज़ाम के पहले, उन सभी से बचें। कुछ लोग यहाँ वहाँ से मैसेज कॉपी पेस्ट करके और ग्रुप में डालते हैं जिससे कि आपका माइंड डिस्टर्ब होता है। कुछ लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, कुछ लोगों को लगता है एग्ज़ाम की डेट बढ़ जाएगी, तो इस तरह की जो मैसेजेस हैं उनको आप इग्नोर करें। आपकी तारीख 15 अक्टूबर ही है, आप इसे समझ लें और इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन पूरी तैयार रखें। फोर्थ पॉइंट है, रिवाइज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेदर देन रिवाइजिंग फुल चैप्टर्स। अभी बहुत कम समय बचा है इसलिए आपको पूरे चैप्टर बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इतना समय बाकी है आपके पास, तो आप लोगों के पास जो भी पॉइंटर्स हों या कोई नोट्स हों या आपने कोई डाउनलोड किए हों तो आप उन्हीं को पढ़िए, उसी में ही आपका जो है समय बचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट भी आपके कवर हो जाएंगे और समय की भी बचत होगी। तो पूरा चैप्टर ना पढ़ के, पूरी बुक से ना पढ़ के, आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़ने हैं जो आपने अभी नोट्स बनाए हुए हों, और नोट्स को भी आप पॉइंट्स के हिसाब से पढ़ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, लीव ऑल द डिस्ट्रैक्शन फॉर 3 डेज, टेक अ डीप ब्रीथ फॉर 1 मिनट एवरी 2 आवर्स एंड रिवाइज अगेन, कॉल मैसेजेस एट्सेट्रा। आपको 3 दिन जो है किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, आपको सभी से दूर रहना है सभी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से, जैसे कि कोई आपको बार बार फ़ोन करें, आपके फ्रेंड्स लोग करें या आपके और कोई रिलेटिव्स करें और बार बार आपसे एग्ज़ाम के बारे में पूछें, उन सब से आपको बचना है। आपकी तैयारी जैसी है, आपने जैसी भी की है उसी पे आप रहो, किसी के फ़ोनों में या किसी की बातों में नहीं पढ़ना है। तो 3-4 दिन के लिए आप एकदम सभी से दूरियां बना के रखें और हर 2 घंटे में एक बार जो है अपना जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर लें और गहरी सांसें लें। गहरी सांस लेने का मतलब है आप रिलैक्स रहें, ज़्यादा अपने दिमाग में टेंशन ना पालें। 6th पॉइंट है, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन डिस्कशन ओवर एग्ज़ाम डेट एंड एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम डेट ना तो चेंज होने वाली है और जो आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा वो भी कभी चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन ना करें। ईट हेल्दी, ड्रिंक हेल्दी टिल 15th अक्टूबर। जब तक आपके एग्ज़ाम है अच्छा खाएं पिएं, ऐसा ना खाएं जिससे कि आप बीमार हो सकते हो, बाहर का फास्ट फूड वगैरह अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट है, बी हैप्पी
इट विल हेल्प यू टू गेट फोकस ऑन एग्ज़ाम। खुश रहने की कोशिश करें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी चीज़ों में ध्यान लगाएं ताकि आप खुश रहें और आपका एग्ज़ाम में अपना मन लगे। इम्पॉर्टेंट थिंग्स डोंट वरी अबाउट व्हाट यू डोंट स्टडीड। क्वेश्चंस इज नॉट गोइंग टू कम फ्रॉम दैट पर्सन। देखिए ये एक मजाक की बात है, लेकिन आपको ये सिर्फ रिलैक्स करने के लिए है कि आपने जो पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, ठीक है, तो वो सफिशियंट है। आप उसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें। ऐसा नहीं है कि उस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आते हैं तो कोई बात नहीं। जो आपने जितनी प्रिपरेशन की है, यदि वो ही आपकी सॉलिड है, तो जितने भी आपके क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं, इनके आंसर बन रहे हैं, वो सफिशियंट रहते हैं आपके सिलेक्शन कराने के लिए। तो बस कोशिश यही करना है कि चूँकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से बनते हैं, या जिसमें आपको डाउट लग रहा है तो उसको आप छोड़ सकते हो, या जो बिल्कुल नहीं बन रहे हैं उसको तो अटेम्प्ट करना ही नहीं है। जो थोड़ी बहुत डाउटफुल हैं उसके लिए आप टाइम ऐसा मैनेजमेंट करें कि जो पहले बन रहे हैं क्वेश्चंस उसको पहले कर लो, और जिनमें डाउट है उसके लिए थोड़ी सा आपको टाइम मिल जाएगा। तो कोशिश करके वो सभी क्वेश्चंस आपको जिनमें हल्का फुल्का भी डाउट है वो बाद में ही करने हैं, और उन डाउटों में भी आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आप थोड़ी से लगे कि हाँ जो मेरा आंसर है वो सही है, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग आपका एक नंबर आपका डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो उससे आपकी रैंक में प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बहुत ही सोच समझ के आंसर करना है आपको। जो नाइन्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, कि ऑलवेज रिमेंबर यू आर द बेस्ट, यू आर गोइंग टू बी बेस्ट। हमेशा याद रखिए कि आप सबसे बढ़िया हैं, सबसे अच्छी आपने तैयारी की है, और आप जो भी करने वाले हैं वो सब बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हम टिप्स दे रहे हैं, ये सभी टिप्स आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी एग्ज़ाम के हिसाब से, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, एमसीक्यू डाउट्स, यू कैन आस्क अस एनी टाइम, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशंस। आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी एमसीक्यूज में, किसी भी तरह का कोई डाउट है, आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। हमारा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप हैं, या आप हमें पर्सनली भी आप मैसेज करके या कॉल करके आप हमसे अपनी जो भी क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं, और हम आप सभी के लिए जो है विश करते हैं कि आप सभी लोग इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाएं, आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक नीचे दी गई है, इसकी लिंक यहाँ नीचे दी गई है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है ये, तो इसमें आप जाकर जो भी हमारे स्टडी मटेरियल्स हैं या जो टिप्स हैं वो सभी आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो है जो टिप्स है ये आपको काफ़ी काम आएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।